चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है अब हम लोग देखते हैं फ्लावर, और फ्लावर क्या है? ये फ्लावर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं फ्लावर। इसके पहले हम लोग क्या देखे प्लांट के पार्ट में रूट स्टेम और लीफ, ये सब कैसा था? ये तीनों कैसा था? वेजिटेटिव पार्ट। ये तीनों कैसा था? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अब देखिए ये है फ्लावर। फ्लावर क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये कैसा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो रूट स्टेम लीफ को हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग उसी को देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हाफ फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हाफ फ्लावर्स आर फॉर्म। एक्चुअली ये पार्ट जो है स्टेम और लीफ, ये है स्टेम प्लस लीफ, ये है स्टेम एंड लीफ। टुगेदर इसको हम लोग क्या करते हैं? टुगेदर इज कॉल्ड शूट। टुगेदर इज कॉल्ड शूट, और ये मॉडिफाइड शूट हो गया। अब when the shoot, is modified, shoot modify कर गया, और modify करके क्या बनाया?
ये स्टेम वाला पार्ट देखो यहां तक है और इसके ऊपर जो है लीफ, इसके ऊपर ये पार्ट क्या है लीफ वाला, तो ये सारा पार्ट है लीफ, मॉडिफाइड लीफ, लीफ और ये हो गया मॉडिफाइड स्टेम, दोनों मिला करके क्या हो गया मॉडिफाइड शूट, एंड मॉडिफाइड शूट इज कॉल्ड फ्लावर, मॉडिफाइड शूट इज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन में आप देखें, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए क्या हुआ स्टेम और लीफ, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं सूट कहलाता है, और जब सूट मॉडिफाई हो जाए, सूट के मॉडिफिकेशन में क्या हो गया लीफ भी मॉडिफाइड हो गया और स्टेम भी मॉडिफाइड हो गया, यदि दोनों पार्ट मॉडिफाइड हो गया तो मतलब मेरा क्या हुआ पूरा सूट ही मॉडिफाइड हो गया, और मॉडिफाइड शूट इज कॉल्ड, मॉडिफाइड शूट इज कॉल्ड फ्लावर, मॉडिफाइड शूट इज कॉल्ड फ्लावर। तो इसमें है इसको जहां तक लिख लिया, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि फ्लावर इज is highly modified and condensed suit condensed suit ठीक है। अब क्या देखते हैं इसमें लीफ मॉडिफाई इनटू फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल वॉल्स, ठीक है, और स्टेम मॉडिफाइड इनटू पेडिसल, स्टेम मॉडिफाइड इनटू पेडिसल, या पेडिसल को क्या कहते हैं फ्लोरल स्टॉक, फ्लोरल स्टॉक, ठीक है, मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्टॉक। अब ये हुआ पार्ट ऑफ फ्लावर,
अब हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए फ्लावर इज, फ्लावर है मेनली फाइव पार्ट्स, मेनली फाइव पार्ट्स। फाइव पार्ट्स में क्या है, पहला जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, पेडी सेल्फ और यह स्टेम का पार्ट है। इसका एक इंड क्या हो सकता है, थोड़ा सा सूख जाता है, ये स्टॉक है स्टेम वाला, ठीक है, ये कहलाएगा पेडी सेल्फ। और ये जो इसका सोलन, सोलन टिप ऑफ पेडिसल, सोलन टिप ऑफ पेडिसल इज कॉल्ड थैलामस, इज कॉल्ड थैलामस। इसका जो सोलन टिप है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है पेडिसल है, और इसका क्या है, ये टिप वाला पार्ट है जो इतना व्हाइट कर दिया यहां पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलामस, ठीक है, ये हो गया थैलामस। इसका ये फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट जो होगा, ये तो स्टेम वाला पार्ट है, पेडिसल किसने बना था, पेडिसल किसने बना था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था, और लीफ का भी मॉडिफिकेशन होगा ना, लीफ का भी मॉडिफिकेशन होगा ना, लीफ का मॉडिफिकेशन में देखो कितना हो जाएगा, सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स। और थर्ड इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। फोर्थ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड फिफ्थ गायनो, सीएम, फिफ्थ हो गया गायनो सीएम। ये जो चारों पार्ट बना, ये जो चारों पार्ट है, ये क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम, ये पार्ट क्या था, मॉडिफाइड स्टेम, और ये पार्ट क्या था चारों, मॉडिफाइड लीफ। इसका मतलब हम लोग अभी तक यही पर स्टिक कर रहे हैं कि हर फ्लावर क्या है, कि लीफ सूट का मॉडिफिकेशन है। सूट किस 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 से मिलकर बना हुआ है, लीफ प्लस स्टेम इज इक्वल टू सूट, स्टेम प्लस लीफ इज इक्वल टू सूट। और सूट का पार्ट जब कभी मॉडिफाई हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड होना मतलब क्या होता है, कि यदि भारी सिकुड़ जाए बहुत ज्यादा, जैसे फैला हुआ है यहां पर, जैसे ये पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट मान ले कि मेरा लीफ है, स्टेम है, यहां पर यहां लीफ है, यहां लीफ है, यहां लीफ, ठीक है, ऐसे करके लिए ये इस पार्ट को यदि इस तरह से हम दबा दें, कंडेंस कर दे मतलब दबा दें, दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टेम वाला पार्ट यही रह जाएगा, इसके ऊपर देखो तो लीफ वाला पार्ट, देखो वन टू वाला ये हो गया वन टू, फिर इसी पर क्या हो जाएगा थ्री फोर, ये थ्री ये फोर, उसी पर क्या हो जाएगा फाइव सिक्स, ये फाइव ये सिक्स, और उसी पर ये हो जाएगा ये फाइव ये सिक्स,
और इसी पर ये हो जाएगा सेवन। ये जो है ये पार्ट जो देख रहे हो ये पार्ट था सूट और इसको दबा दिए कंप्रेस कर दिए, ये इसका क्या हो जाएगा हाईली कंडेंस्ड। तो हाईली कंडेंस कर दिए तो चिपक करके कैसा हो गया, ये डायग्राम बना दिया नहीं, यही पार्ट कंडेंस होकर के ये बनाया है, ये दिख रहा है ना फ्लावर जैसा, ठीक है। ये सूट का कंडेंस फॉर्म है, दूसरा क्या है लीफ के जैसा ही नहीं रहेगा, कुछ कुछ पार्ट क्या हो जाएगा आगे जाके, ये कंडेंस हुआ और कंडेंस होने के बाद कुछ पार्ट जो है ऐसे रह जाएगा, कुछ पार्ट जो है ऐसे रह जाएगा, कुछ पार्ट इसका एंड्रोसियम बना देगा और कुछ पार्ट इसका गायनेसियम बना देगा, और ये पेडिस्टल वाला पार्ट। अब ये कंडेंस हुआ और ये कैसा हो गया मॉडिफाइड हुआ, ये कंडेंस हुआ और ये क्या हो गया मॉडिफाइड हुआ। यदि हाईली कंडेंस्ड हो और हाईली मॉडिफाइड हो जाए तो यही सूट कंडेंसेशन और मॉडिफिकेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया फ्लावर में, किसमें कन्वर्ट हो गया ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब पार्ट्स क्या क्या हो गया, एक तो स्टेम वाला पार्ट था, ये इसका स्टेम वाला पार्ट इसमें चला है और इसका लीफ वाला पार्ट जो है इस चारों पार्ट था, तो मॉडिफाइड स्टेम वाला क्या बनाया पेडिसेल, मॉडिफाइड स्टेम क्या बनाया पेडिसेल और मॉडिफाइड लीफ क्या बनाया कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, और ये पांचों क्या है, ये पांचों क्या है दीज फाइव आर फाइव पार्ट ऑफ किसका फाइव पार्ट ऑफ फ्लावर, फाइव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब पेडिसल में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है लेकिन इसका जो टिप रीजन है, जो इसका टिप रीजन है वो काफी सोलन सोलन है, सूजा हुआ है, एंड दिस सोलन टिप रीजन दिस इज कॉल्ड थैलामस। ये स्वेलन टिप ऑफ पेडिसल इज कॉल्ड थैलामस, थैलामस का ये हो गया। अब चलो हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं, अब हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने का मतलब क्या हो गया, डिटेल में जाने का मतलब हुआ किसको मिटाना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, सबसे पहले देखिए पेडिसेल, सबसे पहले क्या पहला पार्ट क्या था पेडिसेल, सबसे पहला पार्ट था पेडिसेल, द फर्स्ट पार्ट इज पेडिसेल। पेडिसेल क्या क्या है, मॉडिफाइड क्या है स्टेम, इट इज मॉडिफाइड स्टेम, और ये मॉडिफिकेशन क्या हो गया, इसमें ये होल स्ट्रक्चर इज पेडिसेल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं थैलामस।
मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है। सेकेंड क्या है ये, सेकेंड क्या है, इट इज पेडिसेल इज ऑल्सो कॉल्ड, पेडिसेल इज ऑल्सो नोन ऑल्सो कॉल्ड फ्लावर स्टॉक, फ्लावर स्टॉक स्टॉक ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इसका फंक्शन क्या होगा, द अदर पार्ट, अदर पार्ट, अदर फ्लोरल पार्ट आर अरेंज्ड, अदर पार्ट आर अरेंज्ड ऑन पेडिसल। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, कैलिक्स, सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए यह है कैलिक्स। ये क्या हो जाएगा, पहले आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट जनरली ग्रीन इन ग्रीन ला ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, काम क्या था, यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सैंपल, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सैंपल, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल एंड सिंबॉल, सिंबॉल ऑफ सेपल, सिंबॉल ऑफ सेपल इज के, इसका सिंबॉल क्या हो जाता है के, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ अदर फ्लोरल वर्ल्ड्स, फ्लोरल पार्ट ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। अब देखो ये पेडिसल है और पेडिसल के ऊपर सबसे जो पहला लीफ लाइक पार्ट है दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ये पार्ट क्या हो गया, थैलामस, ये पार्ट क्या हो गया, पेडी
उसके बाद आता है पार्ट टेलिस के बाद आता है सेकेंड वर्ल है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। सेकेंड वर्ल्ड इट इज कॉल्ड कोरोला। सेकेंड वर्ल्ड इट इज कॉल्ड कोरोला। सेकेंड वर्ल्ड इट इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, ये कलरफुल सेकेंड फ्लोरल वर्ल्ड, इसको किसे रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड फ्लोरल वर्ल्ड, सेकेंड फ्लोरल वर्ल्ड, सेकेंड फ्लोरल वर्ल्ड। ठीक है, जनरली एट्रैक्टिव इन कलर, एट्रैक्टिव एंड कलरफुल, एट्रैक्टिव एंड कलरफुल। फायदा क्या है? फायदा फंक्शन क्या होगा? इट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन, हेल्प्स इन पॉलिन नेशन। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर, ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। ये दोनों इसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन ऑफ कोरोला। ठीक है, इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा सी, इसका सिंबल होगा सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पार्ट कैलिक्स वाला पार्ट हो गया है, ये थैलेमस था, इसके ऊपर ये कैलिक्स वाला पार्ट था, ढेर सारा होगा, ये कैलिक्स वाला पार्ट है और कैलिक्स वाला पार्ट के ऊपर ये क्या हो गया? कोरोला। कैलिक्स वाला पार्ट पर ये क्या हो गया? कोरोला। ये हो गया कोरोला। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, सेकेंड आउटरमोस्ट, आउटर कोरोला के बाद देखिए इसका पार्ट है एंड्रोसियम। कोरोला के बाद अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखी है, इसका पार्ट देखिए, कोरोला का पार्ट
कोरोला के बाद ये वीच वर्ल्स क्वेश्चन है, वीच फ्लोरल वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स आर कॉल्ड एसेसरी वॉल, आर कॉल्ड एसेसरी वॉल्स, ठीक है, एसेसरी वॉल्स। ये क्या हो जाएगा इसका चॉइस? कैलिक्स ए, बी कोरोला, सी बोथ कैलिक्स एंड कोरोला, बोथ कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला इसका आंसर क्या? इसका आंसर होगा, अब फिर एक क्वेश्चन लिखिए, अब फिर एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, विच वॉल्स ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव वॉल्स, ए एंड्रोसियम, बी गाइनेसियम, सी बोथ डी कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड फॉर बोथ ए एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी ये दोनों आपस में दोनों क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव वॉल्स। ये दोनों कहलाता है रिप्रोडक्टिव वॉल्स। चलो अगला पार्ट देखते हैं, दैट इज एंड्रोसियम। अगला पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इट इज कॉल्ड एंड्रोसियम, इट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इट इज कॉल्ड स्टैमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इट इज कॉल्ड स्टैमेन। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, फंक्शन से पहले अब देखो पार्ट ऑफ एंड्रोसियम ये दोनों चीज लिखेंगे, पार्ट ऑफ एंड्रोसियम स्टैमेन इसका पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के कितने हैं, दे हैव थ्री मेन पार्ट डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट। ये क्या होता है, एंथर फिलामेंट एंड कनेक्टिव, एंथर फिलामेंट एंड कनेक्टिव, ये हो गया देखो पार्ट, ये हो गया एंथर, ये पार्ट देखो जनरली क्या होता है बायलोब होता है, दो लोब बनाए, ये हो गया एंथर, एंथर में ये पार्ट, एंथर में ये पार्ट, और ये हो गया फिलामेंट, और ये जो इसको जोड़ता है ये हो गया एंथर, ये जो कनेक्ट करने वाला है ये है कनेक्टिव, और ये पार्ट है फिलामेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पार्ट बना देते हैं, दैट इज एंड्रोसियम, ये पार्ट है एंड्रोसियम, ये पार्ट है खाली एंड्रो लिखते हैं समझ लें, और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है ये है गाइनेसियम, ये टोटल हो गया, ये लिख देते हैं गाइनेसियम, ये गाइनो लिखे हैं बाकी समझ लेते हैं। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ फ्लावर्स। अब इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एंड्रोसियम, फंक्शन ऑफ एंड्रोसियम, फंक्शन ऑफ एंथर। अब एंथर के देखो एंथर इस तरह से होता है, ये एक लोब हुआ एंथर का, और ये एंथर का दूसरा लोब, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं ये दो लोब होता है, वन लोब एंड
टू लोब, तो ये क्या हो जाएगा टू लोब्स, आंसर में कितना लोब्स होगा टू लोब्स, आंसर में कितना लोब होगा टू लोब। और ये जो एरिया देखते हो ना, ये वाला गोल गोल वाला एरिया, ठीक है, ये कहलाएगा पोलन, छोड़ो एंथर, फंक्शन ऑफ एंथर, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन कंटेंस मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन कंटेंस मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन कंटेंस मेल गैमेट। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं, फोर्थ में गाइनेशियम, स्टेमन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टेमन जो है इसका सिंबल है कैपिटल ए, सिंबल इसका सिंबल है स्टेमन का कैपिटल ए, घेरना नहीं, इसका सिंबल कैसा है कैपिटल ए। चलो लास्ट पार्ट है डायनेशियम, लास्ट पार्ट इज गाइनेशियम, गाइनेशियम ये क्या है, एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसका कितना पार्ट होगा, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ गाइनोसियम, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल, इसका सिंबल होता है कैपिटल जी, सिंबल क्या होगा इसका कैपिटल जी। सिंबल इज कैपिटल जी, पार्ट्स ऑफ गाइनेशियम। अब हम लोग क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ गाइनेशियम, गाइनेशियम के मेनली तीन पार्ट है, ठीक है, ये इस तरह से बना ट्यूब जैसा, और यहां पर एक स्वेलर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और यहां पर एक थोड़ा सा फ्लैट टाइप का पार्ट होता है दैट इज, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है, ये पार्ट जो ट्यूब जैसा देखते हैं, ये स्टिग्मा हो गया यहां से यहां तक, ये जो ट्यूबुलर पार्ट देखते हो
दिस इज कॉल्ड स्टाइल और ये पार्ट जो देखते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी और ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगा थैलामस के ऊपर ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये पार्ट क्या हो जाएगा थैलामस थैलामस इसके अंदर ही होता है ओब्यूल इसके अंदर होता है ओब्यूल जो प्लासेंटा से जुड़ा ओवरी के अंदर होता है तो गायनेशियम कितना है मेनली थ्री पार्ट्स मेनली थ्री पार्ट्स क्या क्या ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा अब देखिए ये सारा पार्ट हो गया ये फ्लावर का आपका सारा पार्ट हो गया अब देखो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर रिप्रोडक्शन अब यहां पर क्या हो गया ये जो ये ओवरी इनसाइड द ओवरी स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी देखो ये ओवरी हो गया ठीक है ये थैलामस वाला पार्ट है और ओव्यूल के अंदर क्या होता है ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल ओव्यूल के अंदर क्या होता है एक्स है ओव्यूल के अंदर क्या होता है एक्स है और ये पार्ट है ओव्यूल और ओव्यूल ओवरी से कैसे जुड़ा हुआ है थ्रू प्लासेंटा तो ये है ओवरी और ये है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर ये जो देख रहे हो ये है फीमेल गैमेट या एग सेल ये क्या है एग सेल इसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट ठीक है और ये ओव्यूल से ओव्यूल प्लासेंटा क्या होता है एक स्ट्रक्चर है प्लासेंटा ये क्या है ज्वाइंट्स ओव्यूल टू ओवरी ज्वाइंट ओव्यूल टू ओवरी ओवरी और ओव्यूल को अटैच कौन करता है ये अटैच करता है प्लासेंटा इसको अटैच करता है प्लासेंटा अब हम लोग जो इसमें देखेंगे अब हम लोग जो इसमें देखेंगे क्या होगा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता क्या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये हो गया एंथर मेल रिप्रोडक्टिव का ये क्या हो गया है एंथर और ये हो गया इसका ये पार्ट हो गया इस तरह से
ये स्टिग्मा स्टाइल और इसका हो गया ये पार्ट हो गया एंथर। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा क्या, यहां पर है पोलन, यहां पर क्या बनाएगा, ये पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन इसमें बनाए, ठीक है। और एक सेल को यहां ओव्यूल में यहां प्रेजेंट है, एक सेल कहां प्रेजेंट है ओव्यूल में, यहां पर ये प्लासेंटा है। अब पहले क्या होगा, इस पोलन ग्रेन का ये मिल गया मिट है, इसका यहां पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कहां तक होगा, ये पार्ट क्या कहलाता है स्टिग्मा, ये पार्ट क्या कहलाता है स्टिग्मा। ये जो ट्रांसफर हुआ ये क्या हो गया, ट्रांसफर इसका ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहां से कहां था, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इवेंट हुआ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन प्लस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इस स्टेटमेंट को इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज कॉल्ड पॉलीवेंट कहलाता है पॉली ने सन पॉली ने। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग पॉलिनेशन को कैसे लिखेंगे, हम लोग पॉलिनेशन को कैसे लिखेंगे, इसको ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक बार यदि पॉलिनेशन हो गया यदि पॉलिनेशन हो गया तो ये पार्ट का झंझट छोड़िए, पॉलिनेशन हो गया तो इस पार्ट का आपको कोई काम नहीं है। पॉलिनेशन हो गया यहां पर क्या करेगा, ये पोलन ग्रेन आया होगा, इसके अंदर क्या है मेल गैमेट। अब ये पोलन ग्रेन क्या करता है, धीरे धीरे एक ट्यूब बनाता है, ये ट्यूब बना के यहां तक पहुंचेगा, ये ट्यूब बनाते कहां तक पहुंचेगा, यहां तक, और यहां जाकर के अब ये गैमेट को रिलीज कर देगा और ये दोनों फ्यूज कर देगा। तो इसको कहते हैं, ये पार्ट क्या हो गया है स्टिग्मा। तो पहले होगा पॉलिनेशन, पहले हम लोग क्या देखते हैं पॉलिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये यहां तक पहुंच गया, उसके बाद यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन। क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स is called fertilization।
इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसको भी निकाल, ये खत्म हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इसको भी निकाल, फर्टिलाइजेशन के बाद इसको भी निकाल। अब यहां पर क्या बच गया, दो पार्ट बच गए, एक बच गया ओवरी, एक बच गया ओवरी, और दूसरा पार्ट बच गया ओव्यूल। एक पार्ट बच गया ओवरी और दूसरा पार्ट बच गया ओव्यूल। और ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। अब देखो यूजफुल पहले क्या होगा, सजावट का समय, इसको क्या होता है, एस्थेटिक, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इसको और दूसरा करते हैं ऑर्नामेंटल यूज, ऑर्नामेंटल यूज, सजाने के काम। एक दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ सेंट और परफ्यूम, ठीक है। तीसरा सम फ्लावर यूज्ड एज स्पाइसेस, मसाला के तरह, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट, दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट। और ये सीड क्या होगा, बाद में जनरेट करेगा और ये क्या बनाएगा, न्यू प्लांट। सीड क्या बनाएगा, न्यू प्लांट, कैसे, जर्मिनेट करके। ऑन जर्मिनेशन। Thank you, Pranam.